लोकसभा चुनाव के अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल में एक बार फिर मोदी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को 28-29 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। राजनीतिक दल इन्हें लेकर भी आपस में उलझ रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो परिणाम 4 जून को आएगा तो एग्जिट पोल से भी ज्यादा साकार रूप दिखाई देगा। इस बार 400 पार का नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीत रही है। छिंदवाड़ा में भी कमल खिल रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे आज जो देश के सामने आए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो एग्जिट पोल से भी ज्यादा ये साकार रूप दिखाई देगा। और इस बार 400 पार का नारा देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। और ये जो आंकड़े ये कहते हैं और दिखाई देता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, विकास और गरीब कल्याण को जनता ने आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अग्रिम बधाई। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि 29 की 29 सीटें हम इस बार जीत रहे। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल का फूल खिल रहा है और 61% वोट शेयर जो बता रहे हैं, मैं मानता हूं कि जब 4 को परिणाम आएंगे तो 61% वोट शेयर ये 65% तक जाएगा। 10% वोट शेयर हम बढ़ाएंगे, ये हमारा संकल्प है, उसे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम पूरा करेंगे। वहीं एग्जिट पोल पर मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पूरे देश में मोदी की लहर है। मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने या देश की जनता ने निश्चित कर लिया है। सभी एग्जिट पोल कह रहे हैं कि भाजपा 400 पार है। विश्वास सारंग ने इंडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को मतगणना स्थल तक पहुंचाना है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश में मोदी जी की लहर है और मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने ये देश की जनता ने निश्चित कर लिया है। सभी एग्जिट पोल भी ये कह रहे हैं कि 400 पार है एनडीए। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का ये सौभाग्य है कि हम सबने मिलकर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ इस चुनाव को लड़ा है। देश की जनता ने उसको शिरोधार्य किया है। ये देश मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः विश्व बंधु के रूप में स्थापित होगा, ये हम सबका सपना है। एग्जिट पोल में बदलेंगे और एनडीए 400 पार पहुंचेगी। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस हो या विपक्ष के इंडी गठबंधन के तथाकथित जो भी सहयोगी हो, उनको अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना स्थल तक तो पहुंचाना ही है ना। अभी तक तो कह रहे थे कि सरकार नहीं बनेगी, अब कह रहे नहीं 400 पार नहीं होंगे। तो क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं को इतना तो प्रेरित करना ही है कि वो काउंटिंग स्थल तक तो पहुंच सके। हवा गोल है, मिलेंगे नहीं 4 तारीख के बाद, खड़गे जी हो या राहुल जी हो, केजरीवाल जी तो आज अंदर जा ही रहे हैं, मिलेंगे नहीं। मामला मोदीमय है, सुनामी है मोदी की, और इस मोदी की सुनामी के सामने कोई भी देशद्रोही टिक नहीं पाएगा। इधर एग्जिट पोल में भले ही बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा है। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा ने कहा कि एग्जिट पोल काल्पनिक होता है, असली परिणाम 4 जून को आएगा, कांग्रेस पार्टी उस पर बात करेगी। देखिए, मैं तो चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 600 के पार आंकड़ा पहुंच जाए। जिस तरीके से महंगाई भी आर पार हो गई, पेट्रोल डीजल आर पार था, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी। राहुल गांधी जी ने 5 न्याय की बात करी। निसंदेह ये एग्जैक्ट पोल है। एग्जैक्ट पोल पूर्व के विधानसभा चुनाव में हमें सरकार में मध्य प्रदेश में ला रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पिछले बार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रहे थे, लेकिन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। कर्नाटक और तेलंगाना में भारतीय बीजेपी की सरकार एग्जैक्ट पोल बना रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये एग्जैक्ट पोल है।
चार तारीख को एग्जैक्ट फिगर आएगा। जो एग्जैक्ट चीजें कांग्रेस उस पर भरोसा करती है, निसंदेह, चाहे राहुल गांधी जी ने कही हुई 5 न्याय यात्रा मांग हो, आम नौजवान की बात हो, महंगाई की बात उठाने की बात हो, जनता तक सीधा कनेक्ट है। और जो ये एग्जैक्ट पोल का गुब्बारा है वो 4 तारीख को निसंदेह फूटेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।